Sana Gaiin, Aao Sana Gaiin, apne Masiha ki, Aao Sana Gaiin, apne Masiha ki, jo bachata hai, wohi deta hai, zindagi hamesha ki. खुदावंद यीशु मसीह के पाक खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद क़यामतुल मसीह। आप सबको मसीह का जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि हर प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ, म्यूजिशंस के साथ, पोइट्स के साथ, आज भी इस ख़ास दिन पर हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, यंग टैलेंट की हम बात करते हैं तो नौजवानों में एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक उभरता हुआ नाम, रॉबर्ट रोमियो खादिम, जो अरसा 25 साल से शोबाए मौसीकी से वाबस्ता हैं और बतौर परिस्तार और म्यूजिशियन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सो रोमियो, हम आपको प्रोग्राम आओ सना गाएं में वेलकम करते हैं ब्रदर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए, और मैं पास्टर खालिद मना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस कौम को बिदार करने के लिए, और उनकी बहुत बड़ी खिदमत है इस कौम के लिए। शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस काम की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज जो कि ईद क़यामतुल मसीह है, और बड़ा प्यारा सूट भी आपने पहना हुआ है सर। थैंक यू वेरी मच, और मैं सबको ईद क़यामतुल मसीह सबको मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ की, और क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। अगर देखा जाए पास साहब, इत्तेफाक करें इस चीज़ का, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और हमें फ़ख्र से इसको मनाना चाहिए और इस पे खुदावंद को जलाल देना चाहिए इस दिन में। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे है। डेफिनेटली ये हमारा सबसे बड़ा दिन है। यही बड़ा दिन है, और ऐसा है क्योंकि पौलुस रसूल लिखते हैं कि अगर मसीह ना जी उठता तो हमारा ईमान भी बेफायदा होता और हमारी मुनादी भी बेफायदा होती। तो मसीह का मुर्दों में से जी उठना दर हकीकत एक बड़ी खुशखबरी है जिसको आज सारी दुनिया में मसीही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो रोमियो, हम आपके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप म्यूजिशियन भी हैं, परस्तार भी हैं, तो मैं आपसे पूछना पसंद करूंगा, फने मौसीकी का आगाज़ आपने कब से किया? फने मौसीकी का आगाज़ मैंने 20 साल कबल किया था। एक्चुअली मुझे होश नहीं था कि जब मैंने खुद से स्टार्ट किया, तो बहुत छोटा था। एक्चुअली मेरी मामा थी, वो बहुत अच्छी सिंगर भी थी। ओह वाओ। और वो पियानो भी प्ले कर लेती थी। वाओ। तो वो पियानो टीचर थी, घर में ड्रम सेट पड़ा हुआ था और पियानो भी पड़ा हुआ था, तो मैं बेसिक कॉर्ड्स उनसे सीख रहा था। तो उसके बाद सिलसिला चलता रहा, घर में पापा टीचर्स को लेके आते रहे, उनकी खिदमत करते रहे। एक वक्त ये भी था कि पापा साइड पे बैठ के वो मेरे टीचर्स की टांगें दबा रहे हैं और मैं साइड पे हारमोनियम लेके सीख रहा हूँ। मेरे ये बहुत बड़ी बात है कि यानी वो काम जो आपको करना चाहिए था वो आपके बिहाफ पे आपके पापा कर रहे होते थे। डेफिनेटली, क्योंकि मैं उस एज में था कि मुझे कुछ नहीं पता था कि उस्तादों की इज्जत कदर कैसे की जाती। जब जैसे होश आया तो फिर मैं इस काम को तवज्जो दी। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और देखिये कितनी खूबसूरत बात है ये कि इनके फादर के अंदर इतना जज्बा था इनके इस मौसीकी के लिए कि ये म्यूजिक को सीखे, कि यहाँ तक कि वो उस्तादों की खिदमत खुद किया करते थे, क्योंकि वो ये बता रहे कि ये उस वक्त बहुत छोटे थे। तो रोमियो, जब आपके घर पे उस्तादा आया करते थे आपको सिखाने के लिए, तो मतलब क्या फीलिंग्स होती थी आपकी? फीलिंग ये होती थी कि मैंने बस सीखना है, मुश्किल सीखना है। वो एक मिसाल है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में आप कहीं पर जाएँ तो किसी से पूछें कि ये बच्चा कैसा गाता है, ये बंदा कैसा गाता है, तो आगे से जवाब मिलता है, नहीं यार चर्च दी हद तक ठीक है। इस बात का मतलब निकालें, वो कितनी वो सोच कहाँ पे लेके जाते हैं लोग। खुदा के लिए हमने वो माल रखा हुआ है कि जो बस ठीक है, ये चर्च की हद तक ठीक है। हालांकि खुदा के लिए तो वो माल होना चाहिए जो कि बहुत आला और आला जर्फ है, जिसको एक हाई लेवल पे होना चाहिए कि प्रस्तुति उस लेवल की
बखूर के मानद जो है वो खुदा मतलब तक पहुंचा। बेहतरीन खुदा के लिए हमें पेश करना जी है ना, बिल्कुल, तो उसको मतलब इस बात को हमें लाइट नहीं लेना। लाइट नहीं, बिल्कुल लाइट नहीं लेना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि हम बनाए खुदा की हमद के लिए बनाए गए हैं हाँ, तो फिर हम्द भी तो फिर के साथ, जबरदस्त और सच्चाई के साथ होनी रूह और चाहिए ना। सच्चाई के साथ। लोग कह देते हैं कि रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुति हो रही है, लेकिन उसका ये देखे ना कि मतलब हाँ ये प्रस्तुति की हद तक ठीक है, तो ये बहुत नेगेटिव सोच है और इसको हमने ख़त्म करना है। खत्म मैं करना। समझूंगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे प्रस्तार आएंगे, अच्छे अच्छे म्यूजिशंस आएंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा, तो डेफिनेटली काम बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि खुदावंद की हमद जो है वो खलूस दिल के साथ करनी चाहिए, रूह और सच्चाई के साथ करनी चाहिए, जो बिल्कुल जिसको सही तौर पे रूह और सच्चाई के साथ करना कहते हैं, उस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताइए रोमियो, कि आपके पापा भी मतलब मौसीकी से उनका कुछ कोई वाबस्तगी है? पापा को बहुत शौक था, हाँ मेरे पापा पास्टर हैं, ओ वाह पास्टर हैं मेरे पापा, अच्छा तो वो एक्चुअली पास्टर बनने से पहले वो म्यूजिशियंस को और जो सिंगर्स थे उनको हाँ प्रमोट किया करते थे। अच्छा, खुदावंद में आने से पहले। हाँ जी, खुदावन में आने से पहले आउट ओके ऑफ द कंट्री, तो बड़े बड़े जो सिंगर्स थे वो उनका घर में आना जाना लगा रहता था, ओके उनको ओके देख देख ओके के फिर लिसनिंग सेंस जो है इम्प्रूव हुई। बिल्कुल सही है। तो पापा ने एक्चुअली जब पापा प्रस्तुति करते थे तो बहुत से लोग ना उनका मतलब प्रस्तुति करना वो उनका लाइट लेते थे बहुत ज़्यादा, हाँ तो पापा ने ना फिर हाथ रख के मुझ पे दुआ करना शुरू की कि खुदावन हाँ इसको तू अजीम प्रस्तार बना वाह और अपनी खिदमत के लिए इसको वाह। इस्तेमाल कर। और रोमियो ये कैसी खूबसूरत बात है कि अजीम परिस्तार जी है जी ना, अजीम खुदा के अजीम परिस्तार हो जाए तो हाँ ले लिया, वंडरफुल बात ये है बहुत ब्लेसफुल है ना ना। जी। तो मतलब अब अजीम खुदा के अजीम परिस्तार तो उस वक्त हो सकते हैं ना जब हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, जी बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। जी जो बात आप शुरू में कर रहे थे जी कि लोग लाइट लेते हैं इस बात को कि जी चर्च की हद तक ठीक कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन मतलब हमें इस बात से बाहर निकलना बाहर निकलना, है डेफिनेटली ना, बाहर निकलना। और इससे कहीं आगे जाके हमें इसको बेहतरीन तौर पर पेश करना है। तो मुझे बताइए कि फैमिली में आपको मतलब ज़्यादा सपोर्ट फिर आपके फादर ने की डेफिनेटली मौसीकी में? पापा ने की, और भी लोग सपोर्टिव थे, मेरी फूफो लोग और मेरे ताया अबू थे, उनकी मेरे फूफो के हस्बैंड उनकी डेथ हो गई है, तो उनके साथ मैं तबला बजाया करता था। तबले में एक्चुअली मैं उस्ताद सहेल मुराद साहब का शागिर्द था, वाह उन्होंने मुझे हारमोनियम की काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई हाँ और तालीम भी बहुत अच्छी दी उन्होंने। वाह सपोर्टिव जो थे वो पापा थे घर में, तो पापा के बाद मेरी सारी फैमिली जो है वो सपोर्टिव है। जब मैं रियाजत करता हूँ तो मेरे कमरे में कोई नहीं जाता, और उसके अलावा या फिर जो जो मुझे खाना नहीं चाहिए उसके लिए वो मना करते हैं। एक्चुअली ज़्यादा वो ऑयल नहीं देते कि इसका गला ख़राब हो जाएगा, वो प्रस्तुति नहीं कर सकेगा सही है या सही गा है नहीं सकेगा सही, सही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वेरी घर गुड में। वेरी गुड। अच्छा रोमियो एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, रियाजत में आप कितना वक्त गुजारते हैं? रियाजत में मैं समझता हूँ उस्ताद लोग जो हैं वो कहते थे कि 20 घंटे का रियाजत होना चाहिए, 18 घंटे का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रियाजत की वो टर्म्स हैं कि 20 घंटे का रियाजत उसको कहते हैं अल्टीमेटली आप 4 घंटे गुनगुनाते भी हैं या गा लेते हैं, 2 घंटे का रियाजत है, लेकिन वो जो बाकी का अरसा है उसका सुनने का रियाजत होना चाहिए। वाह सुनना एक बहुत बड़ी रियाजत है। जब एक्चुअली जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के पेट से ही नहीं सीख के आता, उसको दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। ये बहुत मशहूर है बात के जैसा अच्छा सुनेंगे वैसा ही अच्छा अंदर से निकलेगा, वाह। और कलाम में भी लिखा ना कि ईमान सुनने से पैदा होता है और और सुनना सुनना मसीह के मसीह कलाम के से। कलाम जी से। ये तो उस वास्ते डेफिनेटली जैसा मुनासिब है। कलाम हम सुनेंगे वैसे ही हमारे अंदर ईमान भी पैदा हाँ होगा जी है हाँ ना। तो बागे अदन में भी कुछ ऐसा ही वो सिनेरियो था जी कि जब खुदा ने हवा और आदम को रखा बाग में, और कलाम में लिखा है कि हवा ने एक अजनबी आवाज़ को सुन लिया, जी एक अजनबी कलाम को सुन लिया, और उस कलाम का नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर यह पड़ा कि उसने खुदा की नाफरमानी की और वो जी काम कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए जी था। तो मतलब हम अगर इसको म्यूजिक वाइज लेके जाए तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि जी अगर हम बुरा सुनेंगे
तो फिर डेफिनेटली बुराई बुरा करेंगे, निकलेगा, बुरा निकलेगा बुराई करेंगे, है ना। जी तो अच्छा सुनेंगे तो अच्छा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फिर खुदावंद के लिए सुनना भी अच्छा ही चाहिए, है जी हाँ ना। तो खुदावंद के लिए अच्छा सुनेंगे तो खुदावंद के लिए अच्छा जी। करेंगे भी मज़ामीर डेफिनेटली। में देखें कि किस तरह आला आला और आसान तरीके से लिखा हुआ है वाह कि खुदावंद की हमद करो। वाह और जिन जिन साज़ों का जिक्र है कलाम मुकद्दस में, उन साज़ों के साथ आप प्रस्तुत करें, मज़ामीर को गाएं। और मज़ामीर में मैं समझता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़बूर गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वाह मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने खुदा को खुश करने के लिए जितना मैं कर सकता हूँ, मैं ज़बूर बहुत अच्छा और अपना रहदगी में गाता हूँ, वाह, और उसकी मुझे खुद से खुशी होती है और उसका अजीब सा सुकून फील होता है क्या ज़िंदगी में। बात है, क्या बात है। रोमियो मुझे बताइए कि किस साज में आप ज्यादा महारत रखते हैं। साज़ में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो थ्योरी मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि आपके पास किसी मशीन बनाने का कुलिया है, लाइक आप किसी मोटरसाइकिल बनाने का कुलिया है, तो उस तरह की बहुत सारी कंपनी की बाइक आप बना सकते हैं। तो थ्योरी आपके दिमाग में हो तो आपको हर साज़ बजाना आना चाहिए, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है उसका वो सेम होता है। थ्योरी सेम है और साज भी, डेफिनेटली एक ही थ्योरी पे सारे चल रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली जो मशहूर है वो हारमोनियम की वजह से है, वाह, तो मैं हारमोनियम ज़्यादा करता हूँ। उसके अलावा मैं मोर देन 10 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर ओह सकता हूँ। वाह, रियली जी, बस ये खुदा का शुक्र है। दैट्स ऑसम। हाँ जी अच्छा, तो इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट सीख लिए। एक्चुअली घर में पापा जो थे मेरे, वो बहुत इस बात पे अहमियत देते थे कि इसको मुश्किल पसंदी वो सिखानी है। अच्छा और मेरे तायाबू भी इस मामले में, तायाबू मेरे फूफे हस्बैंड थे, वो पापा की मासी के बेटे थे हाँ, इसलिए हम उनको तायाबू कहते हैं। सही है। तो उन्होंने मुझे और उस्ताद सुहेल मुराद साहब जो थे वो मेरे उस्ताद मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो याराना था उनका, और वो बहुत प्यार करते थे मुझे, हमारे घर पे बहुत रहते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उसके बाद मैंने मुश्किल पसंदी के लिए उस्ताद एजाज तवक्कल खान साहब मेरे उस्ताद हैं क्लासिकल के, तो क्लासिकल म्यूजिक मौसीकी का मुझे बहुत शौक था। वाह, तो मैं ये समझता था कि खालिस तो तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मुझे ये भी सीखना जो है वो ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि उसके अंदर ना बहुत गहराई में जाके आप खुदा की हुजूरी महसूस करेंगे, जब सच्चे सुर लगेंगे तभी खुदा की हुजूरी जो है वो आएगी। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। हाँ जी तो तवक्कल खान साहब का आपने जिक्र किया है, हाँ जी तो उनसे कितना अरसा आपने मौसीकी सीखी। मैं गुजरे काफ़ी साल से मैं उनसे सीख रहा हूँ। हर एक बंदे को अपना उस्ताद जो है वो बहुत अहम होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं, पूरी दुनिया में एक बंदा है जो मौसीकी पे भी और अदबी फ़न पे भी, शायरी पे भी उतना ही अबूर हासिल किए हुए हैं। ये वाह, बहुत मुश्किल होता है कि एक एक वक्त में आप मौसीकी पे भी और शायरी पे भी उतना ही। तो वो मैंने उस खिदमत को ना उसमें से अडॉप्ट करने के लिए कि मुझे शायरी भी आए, इल्मी अदबी फ़न जो है वो मेरे अंदर हो, ताकि मैं गीतों की कंपोजिशन अच्छे तरीके से देख सकूं। वंडरफुल जी, बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं। रोमियो खादिम आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे परस्तार हैं। इनके साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी, हम इनसे कुछ सुनेंगे भी। आज चूँकि ईद के अमतुल मसीह मना रहे हैं हम, तो अभी ये चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आओ सना गाएं। गॉड ब्लेस यू। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। लेटेस्ट प्रोग्राम्स डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.